चलेगा वो एक आध महीने में वो चलने लगेगा, अभी वो स्टार्टिंग स्टेज पे, लेकिन चलेगा वो अच्छे से चलेगा। ये सपोर्ट मिलता है ना बच्चों को चलने के लिए, तो इससे बच्चे जल्दी चलने लगते हैं। फिर टिकड़े नहीं उसको आम खाना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 9:32 और हमारा आज का प्लान है कि हम लोग आम निकालने वाले हैं। यस, वैसे मम्मी पापा भी मुझे बोल रहे थे 2-3 दिन से कि आम निकालेंगे क्योंकि आम पकना भी शुरू हो गया है और बारिश आ गई तो फिर आम पूरे खराब हो जाएंगे। वो भी सही बात है, बारिश आई तो पूरा आम खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज आम निकालने वाले हैं। तो ऊपर जाके निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर टेरेस है, नीचे बहुत कम है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:04 और हम लोग अभी टेरेस पे आए हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश गिरना चालू हो जाएगा और फिर आम भी लगे तो वो निकालेंगे, अगर नहीं निकाले तो ख़राब हो जाएंगे, वो सड़ जाते हैं अंदर। तो हमने सोचा है कि आज मैं, आशु, मम्मी पापा और ये मेरी आजी है और ये क्रीत, तो हम लोग सब आए हैं ऊपर टेरेस पे आम निकालने के लिए। तो चलो अभी एक एक करके निकालते हैं। ये देखो गाइस पूरे ऊपर तक लगे। अभी जितने हाथ में आते उतने तो निकालेंगे, बाकी के तो खराब हो जाएंगे। अभी पापा निकाल रहे हैं आम। ये बहुत भारी रहता है तो उसको आगे कैसे रहता है, ऐसे खींचने के लिए एक एंगल रहता है तो उसमें वो अटक के, वो बास्केट रहता है ना उसके नीचे, तो उसमें गिर जाता है। यहाँ पे वो अटक जाता है और यहाँ पे अटकने के बाद खींचना पड़ता है और इसमें गिरता है, तो ये प्रोसेस है उसकी। कितने निकाले? 4। कितना आएगा उस बास्केट में? 4 5 होंगे, 6 होंगे। देगा? हाँ। अभी चेंज नहीं करने। बस हाथ दुखेंगे। सब गिर जाएगा। अब बता। 6-7 होंगे ना। देख अभी कितने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 है, 9 है टोटल। ट्राई कर, एक तो पास में है, वो तो निकाल। अभी आशु निकालने जा रही है आम, तो मैंने उसको बोला तू ट्राई कर। निकाला, एक तो निकाला। दो निकाले बस, वो भारी हो जाता है। दो निकाले। इजी है वो, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो भारी हो जाता है वो उसमें गिरने के बाद। पास में तो नहीं है, इधर है। अच्छा वो सामने है, अरे ये सामने है ना अपने। देखो गाइस ऐसे गिरता है अभी, ये जो सामने लगा है ना हम, ये देखना इधर सामने,
तो उसको ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता है, फिर वो बास्केट में गिरता है। तो गाइस हमारे सारे आम निकाल के हो गए, जितना हमारे हाथ को आते उतने तो हमने निकाले। तो ये एक दो और तीन, तीन थैलियाँ भर के ली निकाले अभी। कितने हो गए मम्मी? कम से कम 100 रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 100 आम रहेंगे, बहुत हो गए। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 2:11, और आज खाने में बना है बैंगन भाकरी और ये कुछ पापड़ है। तो सुबह हमने जो वो आम तोड़ के लाए थे, तो वो खाना खाने के बाद उसको पकाने के लिए रखते हैं, तो उसको कितने दिन लगते हैं? 10-12 दिन लगते हैं उसको पकने के लिए। तो खाना खाने के बाद वो काम करते हैं। तो जनरली कैसे रहता है, जो कच्चे आम रहते ना, तो उसको पकने के लिए ना, इससे वो हीट से पक जाते। तो ये हम लोग यहाँ पे अभी डालने वाले पूरी घास। जनरली ये कैसे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जो लोग आम बेचते हैं ना, तो वो तो देते हैं और आप ला सकते हो वहाँ से। मार्केट से हमने तो मार्केट से ही लाया था, जो मतलब बेचते हैं आम वही बेचते हैं, ये भी मतलब बेचते नहीं है, उनके पास रहता है वो, तो वो देते। तो इस पर हम लोग एक एक करके आम रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे पूरी लाइन लगेगी, लाइन होने के बाद वो कवर करेंगे, जो हमने घास नीचे रखी है ना वही ऊपर भी रखें, वही ऊपर भी डालेंगे, जिससे वो पकेंगे बीच में। तो गाइस हमारा नीचे का लेयर पूरा भर गया है, तो अभी उसके ऊपर है ना फिर से हम लोग ये घास डालेंगे और उसके ऊपर फिर आम रखेंगे, है ना। तो यही तरीका है जो पता है सबको। तो चलो अभी इस पर फिर से घास डाल के आम डालते हम लोग पूरा उसको कवर कर रहे हैं, ताकि हवा अंदर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाते। तो इतना सब करके क्या फायदा नहीं होगा। तो उसको पूरा कवर करेंगे और फिर रख देंगे। फिर 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चेक करते मतलब 2 दिन के बाद चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि कौन सा पका हुआ है, क्योंकि अभी पकने की प्रोसेस चालू हो गई है, तो 2 दिन में चेक करना पड़ेगा, है ना, है ना मम्मी? 2 दिन में चेक करना, 2 नहीं तो 4 दिन में चेक करते रहो। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 10:23, और हमने चीज़ केक ऑर्डर किया है, क्योंकि हमारा बहुत मन कर रहा था कि चीज़ केक खाते। तो कुछ ऐसे बनाया है, बोलेगा क्यों कट कर रहे हो। नहीं, उसका मूड नहीं है। चीकू, नहीं कट कर, तू कट कर। तू खाना रे इसका? नहीं, वो नहीं खाएगा ना, उसको नाइफ चाहिए अभी। अच्छा रे। फ्लेवर भी अच्छा। कौन सा है? पाइनएप्पल। तो
देखते हैं अभी कैसे लगता है मुझे। हाय गाइस, तो मुझे चीज़ केक बहुत पसंद आया, पापा को भी पसंद आया, मम्मी को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मम्मी को वैसे चीज़ पसंद नहीं है तो उसको ठीक लगा, लेकिन मुझे आशु को पापा को बहुत पसंद आया। तो आशु तो अभी इसको तो चीज़ पसंद है, चीज़ इसको मुझे तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद आने वाला ही था, मतलब नो डाउट इसमें कुछ। तो इसका तो कुछ एडिटिंग का काम चल रहा है, विक्रीत गया है बाहर, वो तो मस्त घूम रहा है। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।